हेलो एवरीवन, देखिए आज हम करेंगे एक और टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। इस टॉपिक में आज हम देखेंगे किस तरह से करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में ये डेरिवेशंस आते हैं और इससे रिलेटेड 1-2 न्यूमेरिकल्स भी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। चलिए देखिए इसको डिराइव कर लेते हैं। सो अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास एक कंडक्टर, ठीक है, और हमें पता है कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो सपोज़ करो कि इस कंडक्टर पे हमने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, दैट मीन्स हम इसे कुछ पोटेंशियल से कनेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे पोटेंशियल है V के बराबर, पोटेंशियल है V के बराबर। इस बैटरी के कारण या इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इस कंडक्टर के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो चुका है, जिसके कारण अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का मोशन चालू होगा। तो हम मानकर चलेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स किसी एक रीजन से फ्लो कर रहे हैं। मान लो कि ये रीजन है रीजन ए और ये रीजन है रीजन ए डैश। सो कुछ इलेक्ट्रॉन इस रीजन ए से ए डैश की तरफ चले, कितने वेलोसिटी से चले, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चले, ठीक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चले। एंड हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भी होता है, ठीक है। चलिए तो करंट का फार्मूला देख लीजिए। करंट का फार्मूला हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं करंट आई इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। दैट मीन्स करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट फाइंड करने के लिए हमें पहले तो चार्जेस फाइंड करना पड़ेगा, कितने चार्जेस मूव कर रहे हैं एक डी टी टाइम के अंदर। तो कंसिडर करो एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में, एक स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। एन क्या है, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। डी टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, एन इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और कितने वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, वी डी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है। इस रीजन को हम कोई दूसरा वेरिएबल ले लेते हैं क्योंकि हम वेरिएबल ए यूज़ करेंगे एरिया के लिए, एक्स एक्स डैश मान लेते हैं। अज्यूम कर लो कि इस रीजन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए के बराबर है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स एक्स से एक्स डैश डी टी टाइम में यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं। ये हो जाएगा जितना डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन ने चला, इसे रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से। चलिए सबसे पहले हमारा काम यहाँ पर है, हम चार्ज निकालेंगे, टोटल चार्ज। सो डी टी स्मॉल टाइम में सारा ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं। सो डी क्यू टोटल चार्ज निकालना है हमें। अब बताओ टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे हम इस रीजन के अंदर जितना फ्लो हो रहा है, द चार्ज फ्लोइंग इन टाइम डी टी कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर इस रीजन से एक इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो कर रहा होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा। मतलब अगर हम देखें ऐसा कि चार्ज कितना फ्लो हुआ, हम लेकर चल रहे चार्ज n फ्लो हुआ, n इज़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस हैं वो फ्लो कर रहे हैं, तो n इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम इसे एक फंडामेंटल चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टोटल चार्ज बन जाएगा ना, जहाँ पे n 1, 2, 3 इस तरह से लेंगे हम। n अगर 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज फ्लो हुआ, n अगर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज फ्लो हुआ, इसी तरह से 3, 4, 5, 6 इस रीजन के अंदर यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, दैट इज़ n। n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, टोटल चार्ज कितना बनेगा, n मल्टीप्लाइड बाई ई, ये हो गया टोटल चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। चलिए एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हम नंबर ऑफ चार्जेस कैसे पता करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा इस रीजन से कितने चार्जेस का फ्लो हुआ या कितने इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हुआ। तो इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हमारे पास एक और टर्म है n, स्मॉल n, इसे कहते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें यह पता चल जाए कि इस यूनिट वॉल्यूम में, इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम निकाल सकते हैं ना इनका वैल्यू। ऐसे कंडक्टर्स के अंदर ऑलमोस्ट 10^28 या 10^29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 10^29 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक क्यूबिक मीटर आप लेंगे, एक क्यूबिक मीटर क्या होता है, एक ऐसा रीजन जिसका लेंथ ब्रेथ हाइट, सपोज ये क्यूब है जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट ये सब 1 मीटर का है, तो इस 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं
इस 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज नोन एज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। एक 1 मीटर क्यूब के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सपोज करो हमें इस रीजन में 1 क्यूबिक मीटर का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता चल गया, तो हम इस पूरे वॉल्यूम के अंदर निकाल सकते हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। मान लो ये वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10^28, तो 5 मीटर क्यूब के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5×10^28। इसी तरह से हम एक आइडिया ले सकते हैं कि इस रीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस रीजन का पहले हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तब हमें ये पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करता है, इसके वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ से एन पर डिपेंड करेगा। तो एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन का फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन दैट इज एन, पर यूनिट वॉल्यूम इज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। ये बन गया स्मॉल एन का फॉर्मूला। यहाँ से आप अगर n का वैल्यू निकालिएगा, n का वैल्यू निकल कर आएगा n इंटू द वॉल्यूम ऑफ द रीजन जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो देख रहे हैं। अब यहाँ देखो, कैपिटल N के प्लेस में हम ये वैल्यू रख देंगे, n इंटू द वॉल्यूम, किस रीजन का वॉल्यूम, x x डैश रीजन, इस छोटे से रीजन का वॉल्यूम, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन यहीं पर ट्रेवल कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाई ई। नाउ n इंटू, अच्छा वॉल्यूम का एक जनरल फार्मूला क्या होता है, किसी भी फिगर का या किसी भी 3 डायमेंशनल शेप का आप अगर वॉल्यूम निकालेंगे, तो उसके लिए आपको एरिया के साथ उसका हाइट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, स्मॉल एन मल्टीप्लाइड बाई एरिया इनटू द हाइट। यहाँ पे हाइट हम क्या ले रहे हैं, हाइट मतलब ये डिस्टेंस डी, ठीक है, एरिया इनटू डी। तो यहाँ पे देखिए, इस छोटे से रीजन को देखो, ये सिलेंड्रिकल रीजन है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और इसका हाइट डी के बराबर। सो वॉल्यूम निकालने के लिए हम ए इनटू डी करेंगे, सो एन इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम ए लेकर चल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक का लेंथ, इस लेंथ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो इस लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली ये हाइट है ना, ये हाइट है, या फिर हम बोल सकते हैं डिस्टेंस है ये। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जब निकला तो इस पोजीशन तक पहुँचने तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस कवर कर चुका है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम। स्पीड कितना था इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का चलने का स्पीड है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर, और इलेक्ट्रॉन का टाइम है स्मॉल टाइम dt के बराबर, क्योंकि हम dt टाइम में सारा कहानी को देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्टेंस के प्लेस पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय dt, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय dt। होप यहाँ तक क्लियर है आपको। अब हम एक काम करते हैं, ये जो पूरा वैल्यू आया है, इस पूरे वैल्यू को हम इस ऊपर वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो नाउ हमारे पास करंट का जो फार्मूला है, दैट इज dQ डिवाइडेड बाई dt, हमारे पास करंट का फार्मूला है dQ डिवाइडेड बाई dt। अच्छा ये dQ बाई dt आपको समझ आ रहा है ना, स्मॉल टाइम इंटरवल में जो भी चार्ज का फ्लो हुआ, दैट इज नोन एज करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, dQ का वैल्यू हम क्या लिखेंगे, NaVd इंटू dt डिवाइडेड बाई dt। अच्छा एक और बात समझिए, N इंटू वॉल्यूम, N इंटू ये पूरा टर्म वॉल्यूम का टर्म है, यहाँ पे ये पूरा टर्म वॉल्यूम का टर्म है, ये तो हमारे पास आया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जो उस रीजन में है, इसके करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना होगा, तो हम वॉल्यूम को किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, एक चार्ज के मैग्नीट्यूड से, तो इंटू मल्टीप्लाइड बाई ई करना होगा हमें, तो ई से मल्टीप्लाई करने पे हमें टोटल नंबर ऑफ या टोटल चार्ज पता चल जाएगा। सो यहाँ पे हम ई से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे ई से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें देखो पूरा फ्लो ऑफ चार्जेस पता चल गया, कितने चार्जेस हैं, इतने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, इस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग चार्ज कितना फ्लो हुआ, तो इस इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग इंटू ई करेंगे तो सारा चार्ज निकल आएगा। सो dt से dt कैंसिल, यहाँ पे आ गया, देखो क्या आ गया, यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd ENA, सो करंट इज रिलेटेड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी एज I is equal to VdENA। आप इसे याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं, I is equal to Vena, what is V? V is drift velocity, what is E? E is charge on one electron, जो यहाँ पर हम ले रहे थे, what is N? N होता है number of free electrons per unit volume, ये question में already दिया गया होगा। A क्या है? A है इस region का cross section। तो देखिए ये हो गया एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन। एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एस्टिमेट द एवरेज स्पीड और ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन,
कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वेयर कैरिंग अ करेंट ऑफ 1.5 एम्पियर. अज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन टू बी 9 × 10⁸ पर मीटर क्यूब. तो देखिए क्वेश्चन डायरेक्टली फार्मूला से रिलेटेड है. 2014 में ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया है. तो क्या क्या हमें दिया गया है पहले वो देख लेते हैं. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया गया है, करंट हमें कितना फ्लो कर रहा है ये भी दिया गया है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी हमें दिया गया है. तो ये सॉल्व करते हैं इसे. सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल ए दैट इज 1.0 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷ पर मीटर मीटर स्क्वेयर. करंट आई फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज 1.5 एम्पियर एंड फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन. डेंसिटी ऑफ अ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज गिवन 9 × 10⁸ पर मीटर क्यूब. करंट फाइंड करना है हमें, ड्रिफ्ट स्पीड फाइंड करना है हमें. ड्रिफ्ट स्पीड क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है केवल. तो हमें पता है करंट और ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन, I इज इक्वल टू वी ना. क्या निकालना है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट स्पीड. इसके टर्म में सारा फॉर्मूला को लिखेंगे, I बाई ई एन ए. ओके, करंट कितना फ्लो कर रहा है? 1.5 एम्पियर डिवाइडेड बाई चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम मल्टीप्लाइड बाई एन इज गिवन 9 × 10⁻²⁸. नाउ मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.0 × 10⁻¹⁷. ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको. सारे 10 वाले टर्म्स को ऊपर ले आएंगे, यहाँ से एक डेसिमल से ये एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, सारे 10 वाले टर्म्स को ऊपर ले आएंगे. सो 15 × 10⁻¹⁹ ऊपर जाएगा 19 हो जाएगा, 28 ऊपर जाएगा −28 हो जाएगा, −7 ऊपर जाएगा +7 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 × 9. तो इसे सॉल्व करने पे देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है. 15 × ये हो जाएगा 19 + 7 = 26, 26 − 28 = 10⁻², बाई 16 × 9 = 144. सो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास जो वैल्यू निकलेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दैट विल बी 0.104 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻²−2. सो वी कैन राइट दिस एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, डेसिमल को उधर शिफ्ट करेंगे, 1.04 अप्रॉक्स मल्टीप्लाइड बाई, देखिए डेसिमल जब राइट साइड शिफ्ट होता है ना तो यहाँ पे एक और बढ़ जाता है, मतलब ये −2 है तो ये बन जाएगा −3, 10⁻³. ये होगा मीटर पर सेकेंड में इसका आंसर. ठीक है, मीटर पर सेकेंड आंसर 1.04 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड. करेक्ट, तो ये हो गया इंपॉर्टेंट डेरिवेशन एंड उसके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन.